हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है ब्रिज इंजीनियरिंग में, उसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ चुका है, इरेक्शन ऑफ प्री कास्ट कॉन्क्रीट ब्रिज, या उसे अपन क्या बोल रहे थे, इरेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिज बोल रहे थे, और इरेक्शन ऑफ सस्पेंशन केबल ब्रिज। इसके बारे में, इरेक्शन मतलब क्या होता था, निर्माण होता था। हमने जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैं, चाहे वो आपका केबल सस्पेंशन ब्रिज हो, चाहे वो कॉन्क्रीट ब्रिज हो, चाहे वो ट्रस ब्रिज हो, चाहे वो स्टील ब्रिज हो, इसका अपन ने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जान लिया है। कैसे कैसे हम उसे बना सकते हैं, कैसे कैसे हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके पोजीशन पे, ठीक है। तो इतना सब जानने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा सपोज ब्रिज बन चुका है तो उस ब्रिज का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस आप कब करोगे, इस चीज़ को ध्यान समझना। मेंटेनेंस आप किसी चीज़ का तब करते हो जब उस चीज़ में कुछ खराबी आता है, तभी। मतलब अगर ब्रिज में कुछ खराबी आ रहा है तब आप उसका क्या करोगे, मेंटेनेंस करोगे। और आपको उसकी खराबी कब चलेगी पता, जब आप उस स्थान पर जाके देखोगे, उसको सही तरीके से स्टडी करोगे, डिटेल स्टडी करोगे, तब जाके उस चीज़ का आपको डिफेक्ट चलेगा पता। और डिफेक्ट चलने के बाद आप उसका क्या कर पाओगे, मेंटेनेंस कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रोसेस को समझना, मेंटेनेंस करने के लिए पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और जाके आपको रूटीन चेकअप करना है, जनरल चेकअप करना है कि सब चीज़ सही है कि नहीं। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आपकी गाड़ी का सर्विसिंग कराते हो, एक साल में दो साल में आप लोग सर्विसिंग कराते हो, ठीक है। तो सर्विसिंग क्यों करा रहे हो, उसमें कुछ सर्विसिंग उसका वो उसका सर्विस कब करेगा, मतलब मेंटेनेंस उसका कब करेगा, जब उसमें कुछ गड़बड़ होगा तभी, है ना। तो वही गड़बड़ी हमको हमारे ब्रिजेस में निकालनी है, उसको हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है या आ रही है, और उसको हम लोग को मेंटेनेंस करना है, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं इसको, आफ्टर द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इंस्पेक्ट इट एट रेगुलर इंटरवल एंड टू मेंटेन इट इन सच अ कंडीशन दैट इट फंक्शन प्रॉपरली। द डैमेज टू अ ब्रिज स्ट्रक्चर मे बी आइदर ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन और इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन और ड्यू टू द एजिंग ऑफ द मटेरियल। इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फ्लड, स्टॉर्म ऑफ एक्सीडेंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, पहला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें यही बताया जा रहा है कि आपका जो ब्रिज डैमेज कुछ रीज़न्स हो सकता है, वो कौन कौन से रीज़न है आपके, या तो उसका सही तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ होगा ब्रिज का, ठीक है, या उस आपके जो मटेरियल्स हैं उसमें क्या हुआ है, घपला हुआ है, कुछ ना कुछ मिलावटें हुई हैं, वो हो सकता है। उसके कारण आपका ब्रिज फेल हो सकता है, ब्रिज में डैमेजेस आ सकते हैं, और डैमेजेस आएगा तभी तो आप उसका मेंटेनेंस करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ अपन देख सकते हैं। और आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, जैसे कि फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ के कारण ब्रिज टूट जाता है, ख़राब हो जाता है उसमें, और कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होता है बहुत जोर जोर से, आपका जो पैरापेट वॉल है, पैरापेट वॉल पे जब गाड़ी ठोकाती है, ठीक है, उसमें क्रैश होता है तो पैरापेट वॉल ही टूट जाता है, ठीक है। तो उसको भी हमको मेंटेनेंस करना है, ये भी एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का डैमेज होगा हमारे ब्रिज को, अगर कोई भी प्रकार का डैमेज होगा तो उसे हम क्या करना है, उसे आपको मेंटेनेंस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज में। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो और थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो मैं सीधा मेंटेनेंस पार्ट में आ रहा हूँ, ठीक है। मेंटेनेंस पार्ट ये है इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस आप कब करोगे, जब उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तभी, जब वो आपके ब्रिज में कोई डैमेज होगा तभी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि सभी अपने स्थान पे सही तरीके से है कि नहीं, कोई क्रैक्स आया है कि नहीं, कोई स्टोन अपनी जगह से हिल तो नहीं गया, कोई ब्रिक अपनी जगह से हिल तो नहीं गया, है ना, मतलब किसी भी प्रकार का डैमेज है तो नहीं, ये आपको जाके चेक करना। अगर वो अगर कोई डैमेज पाया जाता है उस स्थान पे, तब आप उसको मेंटेनेंस करोगे। तो वही चीज़ पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी साइन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ब्रिक और स्टोन्स इन मशीनरी वर्क शुड बी केयरफुली वॉच्ड, ठीक है। ये आपको करना है, आपको हमेशा ये रूटीन चेकअप में आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा आपका, रूटीन चेकअप या जनरल चेकअप में आ जाएगा। ये रूटीन चेकअप जो जनरल चेकअप बोल रहा हूँ, ये भी मेंटेनेंस के ही प्रकार है, है ना। आपको मेंटेनेंस करते हो किसी चीज़ का तो उसका आप चेकअप करते हो, तो वही चेकअप अपन अभी करेंगे। अभी ये जो मेंटेनेंस पढ़ने के बाद और दो टाइप के मेंटेनेंस है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो पहला जो मेंटेनेंस आपको दिख रहा है, फॉलोइंग आर द जनरल वर्क्स ऑफ मेंटेनेंस फॉर द मेजर ब्रिजेस। मेजर ब्रिजेस का कुछ फॉलोइंग आपके मेंटेनेंस है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला अपन ने देख लिया, इसके बाद सेकंड आपका जो पार्ट दिखा रहा है, द फ्लड ट्रेनिंग बर्न्स विल हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन इन केस ऑफ सम रिवर्स। यहां पे क्या है, फ्लड ट्रेनिंग बर्न्स मतलब क्या होता है, आपके जो फ्लड वाटर आने वाले हैं उस वाटर को डायरेक्शन के लिए अपने वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हमको वहां पे सही तरीके से बनाना है। अगर उस स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो हमें उसको डैमेज उस डैमेज को मेंटेन करना है, क्लियर यहां तक का। इसके बाद इट शुड बी सीन वेदर द मशीनरी हैज़ वॉश्ड, क्रैक्ड और डेटोराइटेटेड। द क्रैक डेवलप इन द मशीनरी विल हैव टू बी एग्जामिन्ड केयरफुली टू सी वेदर दे आर सुपर
फिशियल और ड्यू टू द स्ट्रक्चरल फेलियर और डिफेक्ट, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी आप वहाँ पे मशीनरी लगाए हुए हैं, ठीक है, मशीनरी जैसे कि आप मशीनरी वर्क करते हैं ना, जैसे कि हमने क्या बताया था, पिचिंग, पिचिंग करते हैं हम लोग, जो आपका अगर हम लोग रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, जो अप्रोच रोड होता है, अप्रोच रोड के बगल में हम लोग क्या करते हैं, एम्बैकमेंट में पिचिंग करते हैं, ठीक है, पिचिंग कर रहे हो, या तो वहाँ पे सिंपल आपका सॉइल बिछा हुआ है, अगर वो सॉइल किसी बाढ़ के कारण वो बह जाता है या अपने स्थान से हट गया या उस आपके एम्बैकमेंट में क्रैक आ रहे हैं किसी प्रकार के, ठीक है, तो उस क्रैक को हमको सही तरीके से मेनटेन करना है, सही तरीके से हमको ध्यान देना है, एग्जामिन करना है, ठीक है, किस प्रकार का क्रैक है और उसे अपन किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर है। तो वही पिचिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ चौथे पॉइंट पे, द सुइटेबल पिचिंग इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्बैकमेंट नियर ब्रिज, हमको क्या करना है वहाँ पे पिचिंग लगाने सही तरीके से, जो भी एम्बैकमेंट्स होते हैं आपके ब्रिजेस के वहाँ पे हमको सही तरीके से पिचिंग करना है। पिचिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका सॉइल ना बहे, ठीक है, अपने स्थान से ना हटे, जब आप वहाँ पे पानी फ्लड आए तो अपना जो सॉइल है, जो उसके नीचे जो एम्बैकमेंट जो सॉइल बिछाए हुए हैं वो अपने स्थान से नहीं हटना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद द बेड ब्लॉक्स शुड बी इंस्पेक्टेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड द नेसेसरी रिपेयर शुड बी इमीडिएटली कैरिड आउट, कि अगर हमको किसी प्रकार डैमेज मिलता है हमारे हमारे ब्रिजेस में, उसको हमको तुरंत ही तुरंत उसको सही तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर मेंटेन करेंगे, तो ऐसे में वो जो हमारा जो क्रैक पड़ा हुआ है या किसी प्रकार डैमेज पड़ा हुआ है वो और भी डैमेज हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ इंसिडेंट, आपको बताता हूँ, आप हमारे रायपुर गई, रायपुर में एक ब्रिज बना हुआ है, कहाँ पे आपका जो छोटी रेलवे लाइन थी रायपुर में, वहाँ पे अभी एक न्यूली कंस्ट्रक्शन एक ब्रिज बना है, ठीक है, तो जितना भी वहाँ पे इस ब्रिज में क्या हुआ पता है, ब्रिज इतने घटिया क्वालिटी का बना हुआ है, उसमें उसका जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है, सॉइल इतना बेकार तरीके से बनाया गया था, पता नहीं उसको कॉम्पैक्ट किए कि नहीं किए, तो पूरा का पूरा जो एम्बैकमेंट है उसका वो अपने स्थान पर रहा ही नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा वो क्या हो गया, जो स्ट्रेट वहाँ पर अपन जो वॉल लगाते हैं, जो आपका रिटेनिंग वॉल है, वो रिटेनिंग वॉल स्ट्रेट नहीं हो गया, पूरा क्या हो गया था, वो पूरा बैंड हो गया था। तो वो लोग क्या किए, जब उसका रूटीन चेकअप हुआ, जब उसका सही तरीके से जब उसको सही तरीके से कोई देखा, उसका जनरल चेकअप किए, रूटीन चेकअप किए, तब चला पता कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा एम्बैकमेंट को वापस एक्सकेवेट किए, अब वापस उस चीज़ को बिछा रहे हैं, है ना, मतलब सेम टू सेम डबल काम हो रहा है यहाँ पे। पहले एम्बैकमेंट बिछाए थे बहुत घटिया तरीके से, सॉइल घटिया यूज़ किया गया था, सॉइल बेकार यूज़ किया गया था, फिर उसमें सही तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं किया था, और कॉम्पैक्शन नहीं करने के कारण उसमें जब थोड़ी गाड़ियां चली स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में पूरे वहां पे क्या आ गया, पूरे अनइवननेस आ गया रोड पे, अनइवननेस तो आए लेकिन जो बगल के रिटेनिंग वॉल थे, रिटेनिंग वॉल पूरे बैंड हो गए, स्ट्रेट नहीं हुए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं वहां पे पूरा मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका, इससे ये सब चीज को देखे तो आप क्या कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस में क्या पूरा का पूरा ब्रिज को पूरा एक्सकेवेट कर दे रहे हैं और वापस वहां पे पूरा का पूरा सॉइल वापस कॉम्पैक्शन करेंगे सही तरीके से, क्लियर है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो रही है रायपुर में, है ना, आपका पूरा का पूरा ब्रिज जो बन चुका था पूरा का तोड़ के वापस बना रहे हैं, मतलब मेंटेनेंस हो रहा है फिर से उसका, क्लियर है। तो ये जो जो भाई बता रहा हूँ वो सेकंड अभी पार्ट में पढ़ेंगे अपन, कि इसका जो जनरल चेकअप जो अपन मशीन से जो चेकअप किए थे उस चेकअप में ये सब पूरा दिक्कतें आए थे, उस दिक्कतों को अपन सॉल्व किए, क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद सातवां पढ़ेंगे, द फ्लोर सिस्टम ऑफ अप्रोच एंड ब्रिज शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में आपको बताता हूँ, ये सातवां पॉइंट बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है। जब हम लोग ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ पे अपन अप्रोच रोड ही बनाते हैं, याद होगा आप लोगों को, है ना, अप्रोच बनाते हैं, तो अप्रोच रोड और जो फ्लोर का लेवल एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है पता है, जब आप अभी आप ट्रैवल करोगे रायपुर बिलासपुर हाईवे में, अगर जो अभी बना हुआ है हाईवे, नया जो हाईवे बना हुआ, अगर आप उसमें ट्रैवल करोगे तो जितने भी ब्रिजेस बने हुए हैं उसके जो ब्रिजेस हैं और जो अप्रोच रोड का सही लेवल नहीं है, ठीक है, सही लेवल नहीं है, तो क्या हो रहा है, जो आपका ब्रिज है और आपका अप्रोच रोड ऐसा तो धंसते जा रहा है, ठीक है, तो ये जो दिक्कतें हैं इसको वहाँ पे अभी बहुत ही सही तरीके से उसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो फ्लोर जो अप्रोच रोड है और आपका जो फ्लोर ऑफ द ब्रिज है, ठीक है, वो सही तरीके से सेम लेवल पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉपरली उसको मेंटेन करना है हम लोग को, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मोमेंट ऑफ फाउंडेशन इफ एनी शुड बी केयरफुली इंस्पेक्टेड एंड ऑल अटेम्प्ट शुड बी मेड टू स्टॉप सच फर्दर मोमेंट। अगर हमारे फाउंडेशन में किसी प्रकार का मोमेंट आ रहा है, एक्चुअल में तो नहीं आता है लेकिन एक बार आया था, कहाँ आया था, आपका एक बिलासपुर का कोई
ब्रिज है, ठीक है, बिलासपुर में कोई सा ब्रिज है, वहाँ का फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम आया था तो वो पूरे ब्रिज को बंद कर दिया गया, और फिर अभी उसके फाउंडेशन का आपका मेंटेनेंस चल रहा है, जब मेंटेनेंस हो जाएगा तो उस ब्रिज को वापस चालू कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वही मेंटेनेंस यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद 9 पॉइंट, द रिवेट शुड बी केयरफुली इंस्पेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड ऑल द डिफेक्टिव रिवेट शुड बी पंच्ड एंड ऑफ एंड रिप्लेस। अगर आपको रिवेट्स के बारे में नहीं पता है तो एक जॉइंट होता है, रिवेट क्या होता है, एक टाइप का जॉइंट, जॉइंट में क्या करते हैं आपका, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है, जैसे कि एक प्रकार का बोल्ट है, ठीक है, समझ जाओ ये क्या है, एक बोल्ट है, तो बोल्ट में क्या होता है, अगर आपका एक नट है, अगर आपका एक खीला है, तो खीला का हेड ये हो गया और ये थ्रेड्स हो गए, तो खीला के थ्रेड में जब हम लोग स्टील ब्रिज बनाते हैं तो स्टील ब्रिज में अपन क्या करते हैं, बोल्टिंग नहीं करके रिवेटिंग करते हैं, क्या कर रहे हैं, रिवेटिंग। रिवेटिंग में क्या होता है, अगर ये आपका हेड पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है तो इसको गर्म करते हैं और गर्म करके ऐसा चिपका देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोल्टिंग वाला पोर्शन नहीं रहता पूरा का पूरा, क्या होता है यहाँ पे आपका जो ये आपका हेड पोर्शन है और जो बैक पोर्शन को गर्म करते हैं और ठोकते हैं ऐसा ऐसा करके, जो जो ठोकेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा प्लेन हो जाएगा, क्लियर है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिवेट जॉइंट बोलते हैं, रिवेट जॉइंट भी, रिवेट आप देखना नेट में रिवेट जॉइंट क्या होता है और आपका बोल्ट, सिंपल बोल्ट, नट बोल्ट क्या होता है, आप समझ जाओगे सही तरीके से, ठीक है। तो जितने भी रिवेट्स लगे हुए हैं हमारे स्टील ब्रिजेस में वो सही तरीके से काम करने चाहिए, किसी प्रकार का उस रिवेट्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अगर कोई सी प्रॉब्लम आ रहा है रिवेट्स में तो उसको हमको मेंटेनेंस करना है या रिप्लेस करना है सीधा, क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पे अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, 10वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द साउंडिंग आर टू बी टेकन इन द रिवर बेड एंड डेथ ऑफ स्कॉर नियर द अबटमेंट एंड पियर इज टू बी डिटेक्टेड। हमने स्काउट डेथ पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, ब्रिजेस में हम लोग टर्मिनोलॉजी में पढ़े थे शायद तक, स्काउट डेथ क्या होता है, तो स्काउट डेथ क्या होता है, आपके जो ब्रिज का जो फाउंडेशन होता है ना, वहाँ पे जब लहर आती है, ज़्यादा पानी बह रहा है, तो पानी बहने के कारण फाउंडेशन के जस्ट बगल बगल में क्या होता है, हल्का हल्का उस वहाँ की मिट्टी हटती जाती है, तो जितनी मिट्टी हटेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्काउट डेथ बोलते हैं, तो वही स्काउट डेथ हमको वहाँ पर जाके देखना है कि स्काउट डेथ कितना है, अगर ज़्यादा स्काउट डेथ हो रहा है तो वहाँ पर अपन वापस कुछ उपचार करेंगे, कुछ वहाँ पे फिलिंग करेंगे, ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो 11 पॉइंट लिखा हुआ है, 11 पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर आपका कोई सा स्टील ब्रिजेस है तो स्टील क्या है, एक प्रकार का लोहा ही है ना, स्टील या आपका जो मेटल ब्रिजेस होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोरोजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टील या आपका जो मेटल ब्रिजेस होते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल में 2 साल में पेंट कर रहे हैं, 5 साल में पेंट कर रहे हैं, ताकि उस ब्रिजेस में आपका कोरोजन ना हो, अगर कोरोजन आएगा तो आपका स्टील या लोहा वहाँ पर सड़ेगा और सड़ेगा तो डैमेज हो सकता है, तो ये सब चीज़ हमको नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द सुपर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील गर्डर ब्रिजेस शुड बी पेरियोडिकली क्लीन एंड पेंटेड विद द रेड लेट एटलीस्ट वंस इन अ 5 ईयर, ठीक है, 5 साल में एक बार तो उनको पेंट करना ही है। द स्टील रिक्वायर कॉन्स्टेंट अटेंशन बिकॉज इट इज लिएबल टू कोरोड ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन, इफ कोरोजन इज नॉट प्रॉम्प्टली अटेंड इट विल रिजल्ट इन द सेक्शन ऑफ बिकमिंग अनसेफ, ठीक है, अगर हम लोग जो ब्रिज में कोरोजन हो रहे हैं, अगर आपका स्टील ब्रिज है, अगर उसमें कोरोजन हो रहा है और आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिज टूट सकता है और वहाँ पे बड़ी से बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, ठीक है, इस चीज़ को हमको जाके देखना है, और कुछ भी दिक्कतें आती है तो उसको हमको मेंटेनेंस करना है, तो यहाँ पर अपन किस प्रकार से मेंटेनेंस कर रहे हैं, आपके ब्रिज को पेंट करके, ताकि वहाँ पर कोरोजन ना हो, क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद 12वां पॉइंट पढ़ सकते हो, इतना सारा पॉइंट है ना, बहुत सारा पॉइंट है, आपको जो अच्छा लग रहा होगा ना उसको आप लिख सकते हो, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज आ जाता है आपका 5-10 नंबर में, तो कोई सभी यहाँ पे 10 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है, अभी हमने 10 पॉइंट 11 पॉइंट पढ़ लिया, 12वां छोड़ो, 13, ठीक है, यहाँ पे 13 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, हम लोग अभी तक जो मेंटेनेंस कर रहे थे ना मैक्सिमम वो किसके लिए कर रहे थे, स्टील ब्रिजेस के लिए कर रहे थे, स्टील ब्रिज में रिवेट ढीला पड़ गया है, रिवेट टूट गया है, तो रिवेट को अपन रिप्लेस करेंगे, और आपका स्टील ब्रिज है तो उसको अपन हर 2 साल 5 साल में पेंट करेंगे ताकि वहाँ पर कोरोजन ना हो, लेकिन कॉन्क्रीट ब्रिज में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉन्क्रीट ब्रिज में क्या होता है, सिंपल जो उसके नीचे के जो बेयरिंग लगे हुए हैं, ठीक है, जो बेयरिंग्स लगे हुए थे आपको याद होगा हमने पढ़ा था बेयरिंग जॉइंट्स इन अ ब्रिज, हमने पूरा एक क्लास लिया इस चीज़ का, ठीक है, तो वो बेयरिंग को हमको मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस कैसा, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग करना है ताकि उसमें सही तरीके से मूवमेंट हो सके, किसी प्रकार का अर्थक्वेक आता है तो बेयरिंग पे मूवमेंट हो, आपका कॉलम में मूवमेंट ना हो, ठीक है, तो वो चीज अपन देख सकते हैं। तो यहां पे मेंटेनेंस में बस क्या लिखा हुआ, आपका ब्रिज क्लीन होना चाहिए, धूल वूल नहीं होना चाहिए, द कॉन्क्रीट गर्डर नॉर्मली रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस एक्सेप्ट कीपिंग डैम क्लीन, एग्जामिनिंग द क्रैक दैट मे डेवलप एंड कीपिंग द बेयरिंग एरिया थ्रोली फ्री फ्रॉम डर्ट एंड एनी क्रैक ऑफ स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस कैन बी सील्ड बाई द प्रेशर ग्राउटिंग और अदर मीन्स, मतलब यहाँ पे लिखा होगा मैंने आपको बताया कि
कंक्रीट ब्रिज में मेंटेनेंस कम से कम होता है, और मेंटेनेंस अगर अपन करते भी हैं तो उसमें जो भी क्रैक्स आए हैं हमारे कंक्रीट ब्रिजेस में, जो भी क्रैक्स आए हैं उसे अपन फिल करेंगे बाय हेल्प ऑफ द ग्राउटिंग, एंड जितने भी आपके जो बेयरिंग में जो भी इसमें धूल कंकड़ फंसे हुए हैं सबको हम लोग साफ करेंगे ताकि वहाँ पर सही तरीके से अगर बेयरिंग में मूवमेंट हो, ठीक है। इसके बाद जो 14 पॉइंट लिखा हुआ है, वी फोल शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली एंड दे मस्ट बी केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। वी फोल क्या होता है, वी फोल हमने पढ़ा था, वी फोल क्या होता है आपको पता होगा, हम लोग ब्रिज में क्या करते हैं जब हम एम्बैकमेंट बनाते हैं, अगर आपका ये सपोज़ मैं आपको एक ड्राइंग बनाकर दिखाता हूँ, अगर ये आपका एम्बैकमेंट है अप्रोच रोड के पास, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपका पूरा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या पूरा ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे आपका क्या पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे सॉइल भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सॉइल है, तो सॉइल में जो पानी आएगा उसको रिसने के लिए हमको एक जगह देना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे हल्का हल्का सा छोटा छोटा होल होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वी फोल बोलते हैं, ताकि जो भी सॉइल में जो पानी वाटर है वो यहाँ से ड्रेन हो जाए, ठीक है। तो ये जो वी फोल है, वी फोल सही तरीके से काम करना चाहिए, अगर इसमें कोई भी दिक्कतें आ रही है तो उस दिक्कत को हमको मेंटेनेंस करना है, क्लियर यहाँ तक का। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वी फोल शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली एंड दे मस्ट बी kept in working condition, clear yahan tak ka। In case of highway bridge, the condition of curves, parapet walls and footpath should be examined in all respect। मतलब हमको क्या करना है, जितने भी आपके ब्रिजेस में जो भी कर्व्स होते हैं, कर्व आपको पता होगा जब हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं तो कर्व क्या होता है आपको पता है, पैरापेट वॉल आपको पता है, फुटपाथ आपको पता है, अगर उसमें किसी प्रकार कोई भी दिक्कत होता है आती है तो उसे अपने क्या करना है, मेंटेन करना है, क्लियर यहाँ तक का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है हमारा, आपके जो ब्रिजेस में ड्रेनेज सही तरीके से होना चाहिए, अगर पानी रुक रहा है तो हमको मेंटेन करना है, ऐसा मेंटेन करना ताकि वहाँ पे पानी ना रुके, ठीक है, आपका जो पानी का जो वहाँ पे डिस्चार्ज है सही तरीके से आपका हो, क्लियर है यहाँ तक का। ड्रेनेज सही तरीके से आपका होना चाहिए किसमें, आपके ब्रिजेस में। तो ये बहुत सारा पॉइंट है, 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट में आप भी कोई सभी 8 या 9-10 पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद और भी कुछ मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार का और मेंटेनेंस बताया गया है, कि जितने भी ऊपर मेंटेनेंस थे वो तो आपके मेजर ब्रिजेस के लिए थे, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर अपन, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में डायरेक्टली वो मेंटेनेंस लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको कैटेगरी वाइज भी लिखना है मेंटेनेंस, या अगर आपका क्वेश्चन बड़ा आ जाता है मेंटेनेंस का कि 10-12 नंबर का आ गया तो अपन कैसे करेंगे, इसको भी अपन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपके मेंटेनेंस है, मेनली द अबव मेंशन मेंटेनेंस वर्क कैन ब्रॉडली कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। यहाँ पे दो प्रकार के मेंटेनेंस होंगे, कौन कौन से, डिटेल इंस्पेक्शन और रूटीन इंस्पेक्शन। मैं इसी बारे में आपको बता रहा था कि जो हमारा ब्रिजेस हैं उसमें हम मेंटेन कब करेंगे, जब हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, जब हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे, और इंस्पेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ी आती है तभी तो हम उसका मेंटेनेंस करेंगे। तो वही दो प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं यहां पे, कौन कौन से, डिटेल्ड इंस्पेक्शन और आपका रूटीन इंस्पेक्शन। तो दोनों के बारे में देखते हैं, डिटेल इंस्पेक्शन नाम से ही समझ रहे हो आप लोग, नाम से समझो डिटेल इंस्पेक्शन क्या है, रूटीन इंस्पेक्शन क्या है। डिटेल इंस्पेक्शन मतलब आप उसको, आप जो भी आपके ब्रिज में जो भी गड़बड़ी आने वाले हैं उसको आप सही तरीके से डिटेल इंस्पेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आपके ब्रिज में, जो भी गेजेस हैं, जो भी आपका, अगर आपके ब्रिज का जो जॉइंट्स है जॉइंट्स में ज़्यादा गैप आ रहा है, तो ये सब आप क्या करोगे, आपको डिटेल स्टडी करोगे कि एक महीने में कितना आ रहा है, दो महीने में कितना आ रहा है, ये सब आप क्या करने वाले हो, उसको डिटेल स्टडी करने वाले हो सही तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, द डिटेल और डेथ इंस्पेक्शन इन्वॉल्व द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर एलिमेंट्स, इट इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। तो डिटेल इंस्पेक्शन को भी दो पार्ट में बांट गया है, जनरल इंस्पेक्शन और मेजर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो जनरल जो आपका चेकअप होता है, जनरल जो हमारा इंस्पेक्शन हो रहा है वो अपन कैसे कर रहे हैं, अ चेक लिस्ट ऑफ आइटम इज इंस्पेक्टेड आइदर विजुअली और विद द एड ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इन द जनरल इंस्पेक्शन। मतलब हम लोग जो क्या कर रहे हैं जनरल इंस्पेक्शन में, या तो आप वहाँ पे जनरली विजुअली, जनरली वहाँ जाके विजुअली देख रहे हैं, मतलब वहाँ पे जाके खड़े होकर देख रहे हैं कि इसको देखने से क्या दिक्कतें आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या क्रैक्स पड़े हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आप समझोगे सही तरीके से, उसे स्टडी करोगे, या आप किसी भी वहाँ पे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अपन जनरल जो चेकअप करने वाले हैं या इंस्पेक्शन करने वाले हैं, ये 2 साल में एक बार करते हैं अपन, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार हम क्या करते हैं, जनरल इंस्पेक्शन करते हैं हमारे ब्रिजेस का, क्लियर है। इसके बाद आपका मेजर इंस्पेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, इट रिक्वायर क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विद द एड ऑफ एक्सेस फैसिलिटीज, इट इज़ कंडक्टेड एट इंटरवल्स ऑफ 5 to 6 ईयर, इवन एट स्मॉलर इंटरवल्स डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब जो जनरल इंस्पेक्शन था वो हम लोग 2 साल में एक बार कर रहे थे, और जो मेजर
इंस्पेक्शन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं 5 से 6 साल में एक बार कर रहे हैं या डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। अगर हमारे स्ट्रक्चर में ज़्यादा ही गड़बड़ी आ रही है, ज़्यादा उसमें डैमेजेस आ रहे हैं, तो हम लोग से क्या करेंगे डिटेल इंस्पेक्शन करेंगे कि ये जो गड़बड़ी आ रही है, जो डैमेजेस आ रहे हैं, वो आ क्यों रहे हैं, है ना, उसके बारे में सही तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे कि रायपुर में बता रहा हूँ, रायपुर में भी यही चीज़ हुआ है, आपका जनरल चेकअप हुआ, डिटेल इंस्पेक्शन हुआ है, जो NIT रायपुर के जो टीचर्स हैं उन लोग क्या किए थे, जो भी वहाँ के टीचर्स हैं जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जो कॉन्क्रीट सब्जेक्ट लेते हैं, वो पूरा क्या किया, इसको डिटेल इंस्पेक्शन किए, सही तरीके से जो ब्रिजेस बने हुए हैं उसका इंस्पेक्शन किए, सॉइल का इंस्पेक्शन किए, चेक किए, टेस्टिंग किए, उसके बाद उसमें गड़बड़ी आई, तब उसको क्या किया पूरा भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ठीक है। जो भी हमारा जो छोटी रेलवे लाइन पर जो ब्रिज बना था, पूरा का पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा उसको क्या कर दिया, पूरा एक्सकेवेट कर दिया जितने भी सॉइल थे, अब वहाँ पर नया सॉइल बिछेगा और सही तरीके से आपका रोड बनेगा वापस, क्लियर है। जो भी ब्रिजेस बनने वाले हैं, एम्बैकमेंट बनने वाले हैं, वहाँ पर बनेंगे, क्लियर है। तो यही हुआ था डिटेल इंस्पेक्शन, उसमें वहाँ पर गड़बड़ी आई थी, तभी उस ब्रिज को पूरा ब्लॉक कर दिया गया और अब उसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो जनरल चेकअप और मेजर चेकअप है, और इसके अंतर्गत और भी देख सकते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे और भी इंस्पेक्शन है, मतलब ये जनरल चेकअप और आप मेजर चेकअप तो कर ही रहे हैं, तो इस चेकअप के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि अपन देख सकते हैं इस चेकअप के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में गैप कितना आ रहा है, गैप ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, 1 महीने में कितना गैप आ रहा है, 2 महीने में कितना गैप आ रहा है, वो हमको डिटेल स्टडी करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन करना है। अगर इसमें ज़्यादा गैप आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्रैक्स इन मेटल वर्क, डैमेज स्ट्रक्चरल मेंबर, फिर आपका एक्सेसिव वाइब्रेशन, फाउंडेशन सेटलमेंट एंड मूवमेंट, तो ये सब आपके जितने भी आपके टाइप दिख रहे हैं, आप यही इंस्पेक्शन करेंगे अपन, ठीक है। जो अपन यहाँ पे दिख रहे थे आपका जनरल चेकअप था और मेजर चेकअप था, हम लोग 2 साल या 5 से 6 साल में यही चीज अपन चेकअप चेक करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं, क्लियर है यहाँ तक का। तो ये था आपका क्या, सिंपल सा आपका जनरल चेकअप है, या इसे अपन जनरल इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, या डिटेल इंस्पेक्शन है। डिटेल इंस्पेक्शन के अंतर्गत जनरल और मेजर इंस्पेक्शन आएंगे, और इन दोनों इंस्पेक्शन में अपन कौन कौन से इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी जॉइंट्स देखेंगे, क्रैक्स देखेंगे, ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा हमारे ब्रिज में, ठीक है, फाउंडेशन का सेटल में मूवमेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये सब चीज़ हमको देखना है सही तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चेकअप है, नेक्स्ट इंस्पेक्शन है, वो क्या आपका रूटीन इंस्पेक्शन। रूटीन इंस्पेक्शन नाम से ही आप समझ रहे हैं, रूटीन मतलब डेली, ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे डेली। जो ऊपर के जो डिटेल इंस्पेक्शन थे वो 2 से 3 साल में एक बार या 5 से 6 साल में एक बार, लेकिन जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो डेली बेसिस में होता है ना। रूटीन नाम मतलब रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल है, 1-2 दिन में, 1-2 दिन के अंतर्गत किया गया, 4-5 दिन के अंतर्गत किया, मतलब रेगुलर इंटरवल में हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और इंस्पेक्शन में कोई गड़बड़ी आती है तो उसे अपन ठीक करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द रूटीन इंस्पेक्शन एम्स टू लुक आफ्टर द जनरल एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एट अ रेगुलर इंटरवल एंड द स्पॉट हैविंग अ आउटवर्ड फिजिकल डिफेक्ट आर इमिडिएटली रिपेयर्ड, ठीक है। तो मेनली जो रूटीन इंस्पेक्शन क्या क्या होता है, रूटीन इंस्पेक्शन में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेक करते हैं। जैसे कि अप्रोचेस, बेयरिंग, लाइट और सरफेस ड्रेसिंग। अप्रोचेस में क्या करते हैं, जो भी अप्रोचेस जो रोड बना हुआ है वहाँ पर जो गार्ड रेल्स है उसको सही तरीके से पेंट करेंगे, और आपका अप्रोचेस में सही तरीके से लाइटिंग होगी ताकि वहाँ पर विजिबिलिटी सही तरीके से हो, पुअर विजिबिलिटी वहाँ पर ना हो, ठीक है। अगर वहाँ पर लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो लाइट को हम लोग वहाँ पर मेंटेन करेंगे, ठीक करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द पेंटेड गार्ड रेल्स विद स्विटेबल light should be provided on the approaches to the bridge so that accident due to the poor visibility are avoided. Maximum जो accident होते हैं ना बहुत सारे, वो visibility कारण होते हैं। कई लोगों को कुछ चीज़ दिखता नहीं है और उस चीज़ में वो मतलब उसमें वो घुस जाते हैं, ठोका जाते हैं, तो वो एक्सीडेंट होता रहता है, ठीक है। तो क्यों, विजिबिलिटी कारण, ठीक है। अचानक आग बंद हो गया, कुछ चीज़ दिखा नहीं, नींद आ गया, तो पुअर विजिबिलिटी। तो वो जो विजिबिलिटी है वो अप्रोचेस रोड हमारे जो ब्रिजेस में हो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके अप्रोच रोड में और ब्रिजेस में वहाँ पर क्या रहेगा, सही तरीके से लाइटिंग रहेगा, और लाइट नहीं है तो उसको अपन लाइट लगाएंगे सही तरीके से। और जो भी गार्ड रेल है वहाँ पर, जो भी आपके ब्रिजेस में अप्रोच रोड में जो पैरापेट वॉल बना हुआ है उसको अपन सही तरीके से पेंट करेंगे, उसमें रेडियम लगाएंगे ताकि आपका जो भी टर्निंग होगा वो वहाँ पर सही तरीके चमके और आपके ड्राइवर को दिखे, ठीक है। तो ये आपको मेंटेनेंस करना है। इसके बाद जो बेयरिंग है, जो आपके ब्रिजेस में जो अपन बेयरिंग्स लगाते हैं, है ना, उस बेयरिंग में किसी प्रकार का धूल कंकड़ नहीं आना चाहिए सही तरीके से, उसको रेगुलर हमको देखना है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, वो ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना है, उसको ऑपरेट करने लायक बनाना है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू सी दैट द बेयरिंग डू नॉट बिकम इन ऑपरेटिव बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस। हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जो ब्रिज का जो बेयरिंग होता है ना, उसको सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी अपन ऑयलिंग करते भी नहीं है, जो हमारे यहाँ तो ऑयलिंग होता ही नहीं, कभी मिनिमम ऑयलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उसका
मतलब ही नहीं है। जो बेयरिंग का जो मेन काम है ना, कब काम आता है पता है? जब आपका एक्सेसिव आपके ब्रिज में वाइब्रेशन आ रहा है या आपके एरिया में अर्थक्वेक आता है, मोमेंट आ रहा है आपका तब ब्रिजेस का, तभी वहाँ पे बेयरिंग काम करेगा, ठीक है? अदरवाइज बेयरिंग का कोई यूज ही नहीं है। बेयरिंग अपन क्यों लगा रहे हैं? अर्थक्वेक में किसी भी प्रकार का मोमेंट आ रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मोमेंट हो, एंगुलर मोमेंट हो या वर्टिकल मोमेंट हो, उस मोमेंट को कौन झेल लेगा? आपका बेयरिंग झेल लेगा, ठीक है? इसके बाद बेयरिंग के बाद आपका लाइट्स हैं, आपके जो ब्रिजेस में सही तरीके से लाइटिंग होना चाहिए, जो अपने अपने अप्रोचेस रोड में पढ़े लिया, आपका सही तरीके से लाइटिंग होना चाहिए आपके ब्रिजेस में, ताकि आपकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहे आपके ब्रिजेस में, ठीक है? इसके बाद सरफेस ड्रेसिंग है, मतलब ब्रिजेस का आप लोग एक्चुअल में देखे होंगे, जब भी आप लोग ब्रिज में जाते हो तो ब्रिज का मैक्सिमम जो ऊपर वाला पोर्शन हुआ जो लेयर रहता है वो उखड़ जाता है, मतलब पूरा का पूरा साफ हो जाता है, और उसके कारण जो ब्रिजेस में क्या होते हैं उसके रॉड्स दिखने लग जाते हैं, है ना? जो भी अंदर जो बार्स लगे हुए हैं, जो भी यहाँ पे कास्टिंग हुआ है आपके डेक का, ठीक है, फ्लोर का पूरा आपको क्या दिखते हैं, आपको वहां का रॉड दिखने जाता है। तो यही जो है आपका सरफेस ड्रेसिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वही चीज हमको चेक करना है, आपका ज्यादा जो सरफेस का जो ज्यादा ड्रेसिंग तो नहीं हो रहा, ड्रेसिंग मतलब उखड़ना, ठीक है? एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं अपन, जो आपका सरफेस उखड़ता है, लेयर जो उखड़ता है, जो आपका जो उखड़ रहा है लेयर आपका ब्रिजेस का, वो कम से कम होना चाहिए। क्लियर यहां तक का? तो सरफेस ड्रेसिंग होता क्यों है? क्योंकि उसमें जो डेड लोड है, जो बार बार ट्रक चलती है, ट्रक के कारण फ्रिक्शन आ रहा है रोड पे, और फ्रिक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, आपका जो सरफेस है रोड का उसमें सरफेस आपका उखड़ने लग जाता है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सरफेस ड्रेसिंग बोल रहे हैं। तो पढ़ सकते हैं, इट शुड बी चेक दैट द पीरियोडिक एडिशन ऑफ सरफेस ड्रेसिंग डस नॉट रिजल्ट इन टू द इंक्रीज इन द डेड लोड फार इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल लोड अडॉप्टेड इन द ब्रिज डिजाइन। तो मेनली यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखा होगा अपन ने, हम लोग क्या पढ़ा सरफेस ड्रेसिंग में, अगर आपका रेगुलर वहाँ पे आपका हैवी रोड्स आ रहे हैं, हैवी आपके व्हीकल चल रहे हैं, तो उसके कारण आपके रोड में फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन कारण आपका जो रोड का जो सरफेस है वो घिसाता है, घिसाने कारण आपका आपका जो सरफेस है, टॉप सरफेस ऑफ रोड है, वो पूरा निकल जाता है, ठीक है? मेनली ब्रिज में होता ही है, ठीक है? पूरा आपका ब्रिज का जो ऊपरी लेयर है पूरा हट जाता है, फिर आपको रोड दिखने लग जाता है, जो बार्स लगे हुए हैं वो दिखने लग जाते हैं, ठीक है? तो इस सरफेस ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, अगर दिख रहा है तो उसको हम लोग को सही तरीके से मेंटेन करना है, क्लियर है? तो इतना सारा आपका ब्रिज मेंटेनेंस है, अगर ये बहुत बड़े नंबर का आता है तो ये सब हमको पूरा सही तरीके से लिखना है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट में, अगर आप इसको समझ रहे हो मेरे बोलने से, ठीक है, तो आप इसको इसको छोटे छोटे पॉइंट बना सकते हो, ठीक है? अभी आप समझ ही गए होगे बहुत सारा चीज़ इसमें, क्लियर है यहाँ तक का? बहुत सारी चीज़ समझ गए हो कि हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ को इतने बड़े बड़े पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं उसको अपन छोटे रूप में बना के लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्लियर है? तो ये है आपका मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज, और इसके बाद आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।